पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी राजस्थान बीजेपी ने आज दो समितियों का गठन किया है, चुनाव समिति और चुनाव प्रबंध समिति, मैनिफेस्टो समिति भी इसमें शामिल है। खास बात यह है कि इन दोनों समितियों का ऐलान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज जयपुर में किया गया और इन दोनों ही समिति में कहीं भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नहीं है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम नहीं है, कई और ऐसे बड़े नेता जिनके नामों की उम्मीद की जा रही थी कि पार्टी इन्हें या तो चुनाव प्रबंध समिति में शामिल करेगी या मैनिफेस्टो कमेटी में शामिल करेगी, लेकिन इन दोनों समितियों से इनका नाम नदारद है और ख़ास तौर पर वसुंधरा राजे के लिए इसे ज़बरदस्त झटका माना जा रहा है, क्योंकि एक तो पार्टी ने साफ कर दिया कि इस बार वह वसुंधरा राजे के चेहरे पर और उनकी जो पुरानी सरकार थी उनके कामकाज के आधार पर चुनाव नहीं लड़ेगी। केंद्रीय नेतृत्व अपने तरीके से चुनाव रणनीति तय करेगा, प्रत्याशियों के नामों को चयन करेगा और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम प्रत्याशियों के चयन के लिए जो कमेटी बनेगी या मैनिफेस्टो जारी करने की जो कमेटी बनेगी उसमें वसुंधरा राजे का नाम होगा, लेकिन इस तरह का कोई भी नाम वसुंधरा राजे का किसी भी आज जारी की गई दो सूची में नहीं है। कई नए नामों को शामिल किया गया और उसके पीछे दावा किया गया है बीजेपी नेताओं की तरफ से कि ये लोग चुनावी मैनेजमेंट में काफ़ी महारत रखते हैं और इस बार का संकल्प पत्र जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही पार्टी तैयार करेगी, चुनाव मैदान में उतरेगी, कांग्रेस को पटखनी देकर सत्ता में आने की पूरा दमखम लगा देगी। तो फिलहाल वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों के लिए ज़बरदस्त झटका कहा जा सकता है। आज जारी की गई राजस्थान बीजेपी की इन दोनों समितियों में उनका नाम नहीं होना। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।